श्री माता जी, आज मैं अपनी सभी बहनों को आम का मुरब्बा घर में कैसे बनाए आसान तरीके से वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए थे, जिनको छीलने के बाद और गुठली निकालने के बाद ये कम से कम हमारे पास 400 ग्राम कच्चा आम बचा है। और जितना फ्रेंड्स हम कच्चा आम होगा, उतनी ही हम अपनी शुगर लेंगे, चीनी लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग 400 ग्राम के आसपास हमारा कच्चा आम है, जिसको मैंने धोकर अच्छे से सुखा कर ऐसे बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं इसके। अब इसमें हम 400 ग्राम के आसपास हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसको हम एक बार मिलाकर कम से कम फ्रेंड्स हम इसको 2 घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे, ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अब 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुरब्बा कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अब 2 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो इसमें कच्चे आम में अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अब इसको मैंने गैस पे पकने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें फ्रेंड्स हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जैसे मेरे पास ये छुआरा है, खरबूजे के बीज की गिरी है और थोड़ा सा केसर है। और कुछ ये हमारे पास मसाले हैं, इसमें मैंने काली मिर्च ली है, 2 छोटी इलायची ली है, थोड़ी सी कलौंजी ली है और सौंफ ली है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप इनका टेस्ट पसंद करें तो आप डालें, अदरवाइज ना डालें। हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे। क्योंकि कई बार बच्चे हमारे ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं या मसाले नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको मुरब्बे को बिना इसके भी बना सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के, बिना मसालों के भी बना सकते हैं। अगर आपको इनका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप ना डालें, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। केसर डालने से फ्रेंड्स थोड़ा हमारा मुरब्बे का कलर अच्छा आ जाता है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये हमारी जो इसमें कच्चा आम है वो गल चुका है और हमारी चाशनी भी पक चुकी है। अब इसमें हम एक नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस इसलिए डाला जाता है फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो चाशनी है वो जमे नहीं और ये हमारे मुरब्बे को सुरक्षित भी रखता है नींबू का रस। तो हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें और कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें हल्का सा फूड कलर भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी मुरब्बे को बना सकते हैं बिना फूड कलर के भी। फ्रेंड्स देखो, हमारी चाशनी बिल्कुल शहद की तरह हो गई है और हमारा जो आम है वो भी गल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसको हम एक कांच के बर्तन में भर कर रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा आम का मुरब्बा ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है और केसर डालने से ही इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। फ्रेंड्स, अब इसमें इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ मैंने काला नमक डाला है, काला नमक डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और ना चाहे तो आप मत डालें काला नमक।
अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक कांच का जार लिया है, इसको मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया है। अब हम इसको कांच के बर्तन में डालकर रखेंगे। ये कांच के जार में मैंने इसको डाल लिया है। और फ्रेंड्स अब इसको आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल भी गीले हाथ नहीं लगाने हैं, पानी का हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपका ये मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। और जब हम फ्रेंड्स मुरब्बा बनाते हैं तब भी हमारी जो कच्चा आम है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होने से कोई भी अचार हो, मुरब्बा हो, चटनी हो, वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुरब्बा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसको आप पूरी के साथ, परांठे के साथ, रोटी के साथ या ब्रेड पर भी लगाकर खा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो कई बार बच्चों के मनपसंद की सब्जी नहीं बनती है तो आप ये मुरब्बा बनाकर रख लीजिए तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप मेरी रेसिपी से आम का मुरब्बा बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।